ऑलराइट, मैं लगभग 5000 रुपए स्पेंड करने वाला हूँ इन द 90 सेकेंड्स, द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक जो अभी तक आप इंटरनेट पर देख रहे हो उस सभी के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ट्रेंडिंग टेक से स्टार्ट करते हैं, आर्ट सैंड डेकोरेशन कुछ करके आता है। ओके, ये दिखने में काफ़ी यूनिक सा लगता है और अभी ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग भी हो रहा है। ये 3D आपको फील होगा, इसके अंदर बालू रहता है जिसे हम सैंड बोलते हैं और ये बहुत प्रिसाइसली नीचे की तरफ गिरता है और माउंटेन क्रिएट करता है और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड प्राइस अराउंड 2000 रुपीज। ऑल राइट, नो इशू, लेट्स बाय इट। सेकेंड टेक, मैं सोच रहा हूँ मिनी सा कोई लैपटॉप स्टैंड आता होगा। ओके, तो मिनी लैपटॉप स्टैंड लिखते हैं, स्टैंड। ऑल राइट, नो नो नो, या दिस वन न्यू मशरूम पोर्टेबल, या ये दिखने में थोड़ा यूनिक लगता है और ये अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहे हैं। एंड इसका जो प्राइस है 649 का है। ऑल राइट, और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ये मैग्नेट से चिपका भी रहता है और इसे हम चाहे तो अपने पॉकेट वगैरह में रख सकते हैं। ऑल राइट, इसका प्राइस है 649, लेट्स बाय इट। या थर्ड टेक, क्या बाय करें, आई थिंक जो जॉ लाइन गैजेट अभी आप देख रहे होंगे, चलो जॉ लाइन गैजेट सर्च करते हैं, जॉ लाइन गैजेट। या ऑल राइट, फर्स्ट में यहाँ पे दिख गया, काफ़ी ट्रेंडिंग टेक है ये। ये जॉ लाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है और अगर आप च्युइंगम वगैरह भी चबाते हो तो इससे भी जॉ लाइन बन जाता है, बट ये जो टेक है ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चलो ट्राई करते हैं। एंड 119 फॉर वन पीस। ऑल राइट, लेट्स बाय इट। या अगर आपको जादूगर वाली फिल्म देखना पसंद है तो आप हैरी पॉटर तो जरूर देखे होंगे, बचपन से अभी तक देखते आ रहे हो, तो चलो इसका जो छड़ी रहता है ये सर्च करते हैं, मिलता है या नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड हैरी पॉटर वॉन्ड, वॉन्ड मतलब जादूगर की छड़ी। ऑल राइट, यहाँ पे तो आ गया, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली दिख रहा है एक्चुअली दिस वन। या एंड प्राइस, ओ माय गॉड, 1299 का एक स्टिक है गाइस। ऑल राइट, नो इशू, लेट्स बाय इट। अब नेक्स्ट जो टेक बाय करने वाले हैं, आई थिंक शू का गैजेट खोजते हैं, मिलता है या नहीं, लेट्स सर्च। एंड कंफर्ट शू गैजेट इन सोल। ओके, तो ये जो सोल है ये थोड़ा सा अलग होने वाला है, जो एक नॉर्मल सोल आता है उससे ये थोड़ा अलग है। इसमें आपको देखने को मिल जाता है ड्यूअल जेल टेक्नोलॉजी जो काफ़ी अच्छा होता है। अब ये तो ट्राई करने के बाद आइडिया मिलेगा कितना यूज़फुल होता है। और इसका प्राइस 360 रुपीज़ है। ऑल राइट, नो इशू, चलो बाय करते हैं, बाय नाउ। या लगभग 10 दिन के बाद हमारे पास सभी गैजेट आ गए, आई एम सो एक्साइटेड रिव्यू करने के लिए। तो पहला जो गैजेट है ये आर्ट डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो आप, इसका जो नेम है ये मूविंग सैंड स्कैप होने वाला है। तो बॉक्स में से निकालते हैं, ये काफ़ी सेफ्टी के साथ भेजा गया है जस्ट बिकॉज ये ग्लास का रहता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमें देखने मिलता है, मैंने ये कलर ऑर्डर किया है, इसमें आप चाहो तो और भी कलर ऑप्शन आते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो, और आपको राउंड चाहिए या स्क्वायर ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो चलो मैं यहाँ पे तो ये वाला लिया हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए। चलिए इसे हम सभी को साइड में करते हैं, काफ़ी केयरफुली यहाँ पे रखना पड़ेगा। और एक स्टैंड है और ये स्टैंड यहाँ पे कुछ ऐसा है, और एक यहाँ पे आपको नीडल भी देखने को मिलता है जिसे हम इंजेक्शन बोलते हैं इस तरह से, सॉरी। तो सबसे पहले तो इसे कुछ इस तरह से आपको टेबल पे रख देना है और ऐसे आप चाहो तो इस तरह से इसे रख सकते हो। अब दिखने में ये जो लगता है ये अलग ही लगता है, इतना अच्छा लगता है मैं क्या बताऊँ। अभी आप सोशल मीडिया पर देखते होगे कुछ इस तरह से लोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं, एंड देखो कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। आप भी बना सकते हो और फेमस हो सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, बाय कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ से। चलो कुछ और चीज़ आपको दिखाते हैं इसमें, लाइक ये तो एक सिंपल सा हो गया। अब जैसे ये सैंड है ये गिरता है और यहाँ पे वाटर है, अभी इसमें जो वाटर लेवल है ये लगभग 90% के आसपास है, 10% और इसमें फील करेंगे तो ये और अच्छा इफेक्ट निकाल कर देगा हमें। तो गाइस यहाँ पे एक सिरिंच और मैंने एक्स्ट्रा बाय किया है जस्ट बिकॉज इसमें जो सिरिंच आया था ये 5 ml का था, नहीं सॉरी 2.5 ml का ही था, मुझे यहाँ पे 10 ml का सिरिंच लेना पड़ा जस्ट बिकॉज इसमें पानी बहुत स्लोली जाता है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप इसमें पानी जाकर टैप के सामने रखोगे भरा जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको लेना पड़ेगा एक सिरिंच ताकि इसमें पानी आप डाल सको और उसके बाद जो इफेक्ट निकल कर आता है। चलो यहाँ पे आप सैंपल देख लो, कुछ हमने सैंपल रिकॉर्ड किया है, आपको काफी अच्छे लगने वाले हैं। तो सैंपल तो देख लिए हो, प्राइस भी काफी अच्छा है, सभी चीज डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर बाइक कर सकते हो और फेमस हो सकते हो। ओके, अब गाइस हैरी पॉटर किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है, बचपन से लेकर अभी तक हम देखते आ रहे हैं। और ऐसे में एक गैजेट आता है हैरी पॉटर के लिए, वो गैजेट नहीं है जस्ट फेमस जादू छड़ी, ये है जैसा आप देख सकते हो मैजिक वांड यहाँ पे लिखा हुआ है और काफी अच्छा बॉक्स में हमें भेजा गया है। चलो इस बॉक्स को निकालते, कुछ जादू तो नहीं हो जाएगा,
जादू हो सकता है, सब्सक्राइब बटन ग्रे भी हो सकता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो मैं डब्बा को ओपन करता हूँ, तब तक सब्सक्राइब करो आप। बस हमें यहाँ पे एक छड़ी मिलता है कुछ इस तरह से। ओ माय गॉड, क्या बिल्ड है यार, बहुत सॉलिड बिल्ड है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से टेक्सचर बनाया गया है और इस तरह से आप पकड़ के जादू कर सकते हो किसी के ऊपर। मैं आप पे जादू करता हूँ, आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया, नहीं तो जादू मैं कर दूंगा आप पे, सोच लो। तो सब्सक्राइब कर देना, ओके। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस दिखने में अच्छा लगता है और आप एक हैरी पॉटर का फैन हो तो आप बाई कर सकते हो। थोड़ा महंगा आता है ये, 1000 रुपये के राउंड में आता है। अब गाइस ये थोड़ा सा महंगा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका जो बिल्ड है और जो ये दिखने में लगता है, ये पूरा एक्चुअल जो छड़ी आप देखते हो हैरी पॉटर में, कुछ वैसा ही है। और एक स्मेल भी इसमें है, कुछ उस तरह का स्मेल मुझे लग रहा है। अब वैसा स्मेल तो मैं इसका भी स्मेल किया ही नहीं, तो मुझे लगता है कि होगा कुछ वैसा ही। तो अच्छा दिखता है, तो आप इसे ले सकते हो अगर आप एक फ़ैन हो तो। ऐसे कुछ खास है नहीं इसमें, ओके। आगे कुछ खास आने वाला है, ओके। अगला गैजेट दिखाने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ इस तरह से आप लैपटॉप का स्टैंड देखे होंगे जहाँ पर 3-4-5 फैन रहते हैं और स्टैंड रहता है, और इसे आप बड़ा और छोटा कर सकते हो। ये आपके लैपटॉप को गर्म ज़्यादा नहीं होने देता है, एक्सटर्नल फैन होता है ये। अब इसके बाद कुछ ऐसा स्टैंड आप देखे होंगे जहाँ पर एक छोटा सा लैपटॉप आप रख सकते हो। एक स्टैंड और मेरे पास है, ये मैकबुक के लिए मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, जस्ट ये मेटल बिल्ड में आता है और दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा दिखता है एक स्टैंड। और इसके बाद हमारे पास एक और स्टैंड है जो कुछ ऐसा दिखता है, इसमें फ़ोन भी आप साइड में लगा सकते हो और इसे आप इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह का आप स्टैंड तो देखे होंगे, बट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कुछ यूनिक सा स्टैंड। एक और है मेरे पास। अब ये जो स्टैंड है ये कुछ ऐसा दिखता है, अभी वो यूनिक वाला भी दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास एक और है, पिंक कलर में है, जैसा आप देख सकते हो। कलर मैच हो सकता है, अगर आप लड़की लोग लेना चाहती हो तो ले सकती हो। अब बिल वगैरह भी आपको डिसेंट सा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर रबराइज मटेरियल दिया गया है, तो आपका लैपटॉप स्लाइड होकर गिरेगा नहीं। और कुछ इस तरह का कलर भी है तो दिखने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे स्टैंड पे आप लैपटॉप रख सकते हो जो काफ़ी अच्छा दिखता है। हाँ, यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप मत रख देना, लाइट वेट लैपटॉप रखना। जो 1.5 केजी के अराउंड में जो लैपटॉप आते हैं उसे आप आराम से इस पर रख सकते हो, गिरेगा नहीं। बट ये भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, एक और दिखाता हूँ जो इससे भी यूनिक है, जो सबसे यूनिक है। ये है लैपटॉप स्टैंड। अब आप सोच रहे होगे यार इतना छोटा सा, अब गाइस सब चीज पोर्टेबल हो रहा है तो ऐसे में लैपटॉप स्टैंड कैसे नहीं पोर्टेबल हो सकता है, क्योंकि अब वीडियो भी पोर्टेबल हो गए हैं। पोर्टेबल वीडियो नहीं हुए, शॉर्ट्स हो गए हैं, छोटा सा मतलब 15 से 20 सेकंड में आपको सारा चीज दिखा दिया जाता है। तो चलो आपको भी हम दिखाते हैं कुछ इस तरह का गैजेट है। इसका नेम है मशरूम स्टैंड फॉर लैपटॉप। अब आप मशरूम तो सब्जी में खाए होगे और ये है उसका स्टैंड। यहाँ पे आपको दो बॉल देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का है जैसा आप देख सकते हो। अभी ये मैग्नेट से चिपका हुआ है कुछ इस तरह से, आप भी चिपक सकते हो हमेशा की तरह, जैसा मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब करके इस चैनल से। कुछ ऐसा दिखता है, देखो कितना छोटा सा लग रहा है गाइस, एज यू कैन सी मेरे आँख के बराबर साइज का है। इसे पॉकेट में भी रख सकते हो, बैग में भी रख सकते हो, अब कहीं पर जा रहे हो। अब इतना बड़ा बड़ा लैपटॉप स्टैंड तो लेकर जाओगे नहीं, तो ये तो ले लो कम से कम। लैपटॉप के बॉटम में जो फैन होता है उसमें डस्ट खींच लेता है और उससे आपका लैपटॉप का फैन खराब हो सकता है, काफी ज्यादा कॉस्टली आता है उस सभी का फैन। तो इस सभी से बचने के लिए ये 400-500 का चीज आप ले सकते हो, जो काफी अच्छा है। पॉकेट में भी रख लो, बैग में रख लो, आराम से यूज कर सकते हो। मैग्नेट से चिपक जाता है, अच्छा भी दिखता है, और इसे आप रखोगे तो ये थोड़ा यूनिक भी लगेगा। तो अच्छा गैजेट है, इसे आपको ट्राई करना चाहिए। अगले गैजेट पे आते हैं गाइस। अगला गैजेट भाई ये क्या ट्रेंडिंग कर रहा था, मैं क्या ही बताऊं। मैं ढूंढने लगा कहाँ मिलता है ये चीज। ये एक जॉ लाइन बनाने वाला गैजेट है गाइस, जो जॉ लाइन होता है ना कुछ इस तरह से जैसे मेरा है। तो इस तरह का ये जॉ लाइन बनाने के लिए आता है, एक्सरसाइज किट आप इसे बोल सकते हो। गर्ल्स और बॉय दोनों ट्राई कर सकते हो। अगर आपका जॉ लाइन नहीं है और आप च्युइंगम चबाते चबाते बोर हो गए हो तो ये एक बार ट्राई करके देखो 1 महीने तक। हाँ, एक चीज़ मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि यार देखो इसे ज़्यादा देर तक मत यूज करना, जबड़ा जो होता है ना ये जॉ लाइन का दर्द करने लगेगा बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैंने 2 बाई किया और ये जो आप देख रहे हो इसे आपको गर्दन में ऐसे लटकाना है ताकि आप भूलो नहीं एक्सरसाइज करना। तो इस तरह से आप लटका सकते हो। चलो अभी मैं फिलहाल आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको जो ये दोनों एरिया दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट व्हाइट, इसे आपको इस तरह से बीच में रखना है। दिख रहा है कट ना जाए कैमरे का लेंस। तो गाइस ये जो है ये यूजफुल गैजेट है, बट यार
थोड़ा सा आपका ये दर्द कर सकता है, तो ये ध्यान में रखना। ऐसे आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, काफ़ी सस्ता आता है। दो मैंने बाई किया लगभग 200 के राउंड में। आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देखो, रिजल्ट दिखता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, या आपने यूज किया है और आपको यूजफुल नहीं लगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कितने दिन यूज किया और आपको रिजल्ट देखने को मिला है या नहीं, और आपको दिखा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। अब गाइस, आपके जो शू होते हैं उसका जो सोल होता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। आप महंगे शू भी लेते हो फिर भी उतना कंफर्टेबल नहीं होता है जितना होना चाहिए। हाँ, आप 4-5 हज़ार का शू लोगे तो उसमें तो कंफर्टेबल रहेगा, बट अगर आप 1000-2000 का लेते हो, स्पोर्ट्स शूज का बात नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स शूज में भी आप लगा सकते हो ऐसे। आप जो स्नीकर वगैरह लेते हो उसका जो सोल होता है वो ज़्यादा बेटर नहीं रहता है। तो आप एक गैजेट ट्राई कर सकते हो, ये जो सोल है ये बहुत ही सही होने वाला है। ये आपको अपने शू में लगाना है जैसे नॉर्मल सोल लगाते हो, और उसके बाद जो इसका कंफर्ट आपको देखने को मिलेगा यानी फील करने को मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। यहाँ पे जो प्लास्टिक हटा लेते हैं पहले, सब चीज़ यहीं भी बता दूँ, दिखने में कुछ ऐसा लगता है, ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगेगा। आप कलर वगैरह भी देख सकते हो, ग्रे कलर है ये, और बैक साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पर रबर का सारा चीज़ देखने को मिलता है, और काफ़ी देख रहे हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो इसका फैब्रिक है और जो इसका कंफर्ट है ये बहुत ही सही होने वाला है, मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और यहाँ पे ABCD भी बनाया गया है, तो आप इसे कट कर सकते हो अपने शू के सोल के अकॉर्डिंग, अपने शू के साइज के अकॉर्डिंग एक्चुअली। और आप चाहो तो बेस्ट साइज भी बाई कर सकते हो, अगर आपको शू के सोल के बारे में साची पता है तो आप वही सोल बाई करो जो आपके शू में लग गया है। यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा बड़ा वाला सोल ऑर्डर हो गया है तो मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा है। आप चाहो तो बढ़िया सा जो एकदम परफेक्ट आपके शू में बैठ जाए वैसा सोल ऑर्डर कर लेना। और गाइस, ये जो सोल है ये काफी अच्छा होने वाला है। इसमें ड्यूअल जेल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो ये होता है कुछ भी हो बट काफी कंफर्टेबल है। आपको ट्राई करना चाहिए अगर आपके हील में पेन होता है या आपको शू पहनने में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो ये एक बार सोल ट्राई करके देखो। गाइस, मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है अलग अलग, तो आप देख लेना, ऐसा नहीं कि फीमेल हो मेल वाला ऑर्डर कर लिए या मेल हो या फीमेल वाला ऑर्डर कर लिए, तो ऐसा गलती मत करना। ओके, तो गाइस मैंने आपको दिखाया कुछ ट्रेंडिंग जो गैजेट चल रहे अभी मार्केट में वो भी, और कुछ यूजफुल गैजेट जो आपको लेने चाहिए। लिंक सभी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप बाय कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स से जाकर वहां भरिए, जो भी आपके माइंड में डाउट है कोशिश करेंगे सॉल्व करने का जल्द से जल्द। ओके, मिलते हैं फिर से आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय।